वाराणसी से दिल्ली के बीच चलने वाली देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की आज से रफ्तार बढ़ जाएगी। इस ट्रेन की रफ्तार को अब 80 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ाया जाएगा। इससे पहले ये ट्रेन इलाहाबाद सिटी से वाराणसी के बीच 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन आज से इस ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी। पिछले कुछ दिनों से ही ट्रेन की रफ्तार को बढ़ाने का काम जारी था। आखिरकार 4 महीनों की कोशिश के बाद इस ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने में रेलवे को सफलता मिली है। बता दें कि वंदे मातरम ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर इसे अभी अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाए जाने का फैसला लिया गया है।